मोदी जी नवादा आए थे, नवादा आने से पहले हम भी जो गरिया रहे थे परिवारवादी, आप हमको परिवारवादी कहते हैं तो आप अपने घर से पहले परिवारवाद को खत्म कीजिए। अदा एफिडेविट पर लिख के दो कि कोई भाजपा के लोगों को नेता का बेटा को टिकट नहीं देंगे। गठबंधन वाला उनका जो साथी है पार्टी है कोई परिवारवादी नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी का चैलेंज स्वीकार करिए। नवादा आइए तो कौन है भाई, सीपी ठाकुर जी के बेटे विवेक ठाकुर है कि नहीं। गया में मांझी जी, मांझी जी का बेटा मंत्री और उनकी समधन विधायक। जमुई चल जाइए तो पहले चिराग जी रामविलास जी के बेटे, अब चिराग जी अपन जिज्जा जी के बेटी है। प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, आपने कोई अमृत पी के नहीं आए, आपको ना देवी और देवता नहीं है। ऐसे लोगों को जिताओगे कि जिनका आपको पता भी नहीं पता कहाँ है। हमारे चाचा ट्वीट को बोलते चिचियाना, खैर वो अलग बात है, चाचा का हमारा सम्मान रहेगा। हेमंत तिवारी से पूछे कि इनके 39 साल से जीत के गए थे 40 में से, किसी का आता पता नहीं रहा 5 साल में। आप बताओ नवादा के लोग ऐसे लोगों को जिताओगे कि जिनका आपको पता भी नहीं पता कहाँ है। एड्रेस क्या है भाई उनका, श्रवण कुशवाहा कहाँ के है, घर पता है, सब चीज पता है। कुछ होगा रात बिरात में तो तुरंत पहुंच जाइएगा। और इन्होंने तो गरीबी देखी है। मोदी जी नवादा आए थे, नवादा आने से पहले हम भी जो गरिया रहे थे परिवारवादी, तो हम ट्वीट कर दिए हमारे चाचा ट्वीट को बोलते चिचियाना, खैर वो अलग बात है, चाचा का हमारा सम्मान रहेगा। बात सुनिए रे भाई, तो हम ट्वीट कर दिए, हम बोले मोदी जी आप बिहार आ रहे हैं, पहला चरण का चुनाव है, 4 सीटों पर चुनाव है, आप हमको परिवारवादी कहते हैं तो आप अपने घर से पहले परिवारवाद को खत्म कीजिए। बताओ एफिडेविट पर लिख के दो कि कोई भाजपा के लोगों को नेता का बेटा को टिकट नहीं देंगे। लिख के बताओ कोई भी गठबंधन वाला उनका जो साथी है पार्टी है कोई परिवारवादी नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी का चैलेंज स्वीकार करिए। आपका नवादा में है, जमुई में है, गया में है और औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में सुशील कुमार जी उनके पिता जो कांग्रेस के नेता रहे, लगातार वही परिवार को इधर से उधर टिकट मिलता रहा। नवादा आइए तो कौन है भाई, सीपी ठाकुर जी के बेटे विवेक ठाकुर है कि नहीं। गया में मांझी जी, मांझी जी का बेटा मंत्री और उनकी समधन विधायक। जमुई चल जाइए तो पहले चिराग जी रामविलास जी के बेटे, अब चिराग जी अपन जिज्जा जी के बेटी है। वाह रे भाई वाह, देखिए कितना बड़ा अंतर है रे भाई कतरी और करनी में, है कि नहीं है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, लालू जी को बोलते हैं। अरे लालू जी रेल मंत्री तथा 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया जो आज तक किसी भी देश के मंत्री ने नहीं दिया। बजट में रेलवे के बजट में किराया कम किया, सब कूली भाई को परमानेंट कर दिया, देश भाई के देश भर में जितना कूली था। एसी में भी सफर करे गरीब, क्योंकि गरीबों का ना लाइफ लाइन है भाई, सवारी असल रेलवे गरीबे भाई लोग का है। तो लालू जी तो भाड़ा कम करते थे और ये भी सोचे कि स्लीपर के रेट पर एसी में चढ़ ले तो गरीब रथ जैसा ट्रेन खोलने का काम किया लालू जी ने।
बताओ मोदी जी, आप तो रेलवे को बेच दिए हो, प्राइवेटाइज कर दिए, वो तो छोड़ो, लेकिन आपने कितना कारखाना दिया रेलवे को बिहार में? लालू जी तो तीन तीन कारखाना रेलवे को देने का काम किया, छपरा मधेपुरा हर जगह जी हो पहिया कारखाना हो। आज देश में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो उसका चक्का आपके बिहार में बनता है, यह है लालू जी का काम। अब लालू जी के गलियारे क्या किया भ्रष्टाचारी? हाँ भाई हाँ, जो बीजेपी से हाथ मिला लेगा हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, और जो नाम मिलाएगा उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा इनका। अब बताए हम तो बोल रहे हैं, आप ही लोग बता रहे, कितना नेता लोग का सफाई हो गया। मोदी जी जाते थे आसाम, जो अभी के मुख्यमंत्री वहां के चुनाव से पहले भ्रष्टाचारी है, करोड़ों का घोटाला किया, अब भाजपा जा रहे लेने तो माला जी पाला पहना रहे, बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं। शरद पवार जी के भतीजे उधर 70,000 करोड़ का घोटाला किया, कोनो आदर्श घोटाला किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका घोटाला में नाम आया, ईडी सीबीआई सब केस बंद कर लिया जब बीजेपी में चले गए, तो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तब भ्रष्टाचारी मोदी जी को नहीं दिखता है। मतलब ये तानाशाही है, जिसको मन करो उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे। देश के संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, आपने कोई अमृत पी के नहीं आए, आपको ना देवी और देवता नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप अमर नहीं है। एक बार इंसान पैदा होता है तो उसको जाना होता है, लेकिन कम से कम देश के संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद मत करो। प्रधानमंत्री बहुत बदलेगा लेकिन संवैधानिक संस्थाएं वही की वही रहेंगी, उनको ईमानदारी से काम कर दे दीजिए। इसलिए आप लोगों के बीच हम लोग आए, देखो भाजपा को तो लात मार के जब हमारे चाचा हमारे साथ मिले, माफी मांगा हमसे, हम उप मुख्यमंत्री बने, बीच में हमने क्या कहा था कि हमको मुख्यमंत्री बनाओगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे।